And I hope we have a wonderful parade. Today we are celebrating India. India, the land of color, culture. India, the land of sacrifice, truth, prosperity. So I really hope that we have a wonderful time. So I'm going to hand the mic over. Thank you, Niharika. I now give it to Prachi Thelan. She is a sports person, plus she is a Bollywood. So please, Prachi. Namaste, India in New Jersey. I'm very, very excited to be here and not wasting much of time. Let's have this parade and let's have a memorable day created in the history with Anupam Kher sir and all the dignitaries who are here. So let's enjoy, let's have fun. Hello. Now I want to introduce once again after 2015 none other than Richa Anirudh. नमस्कार, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और जैसा धीरेन भाई ने कहा, मैं 2015 में आई थी, तब भी आप लोगों का जोश देखा था और बहुत अच्छा लगता है भारत से यहाँ इतनी दूर आकर अपनी इंडियन कम्युनिटी को इतना एक्साइटेड देखकर एंड द डाइवर्सिटी एंड द कल्चर दैट द कंट्री स्टैंड्स फॉर, उसको आप लोग इतनी अच्छी तरह से जीवित रखे हुए हैं. सो ऑल माई बेस्ट विशेस टू ईच वन ऑफ यू. ओ पीछे वाला थोड़ा सा पीछे धक्का बैक में लगा दो. हिंदुस्तान से बाहर न्यू जर्सी में रहने वाले हिंदुस्तान भाइयों को मेरा प्रणाम. स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप में से बहुत ज्यादा लोग स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं. स्वतंत्र भारत में आपने भारत की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए विदेश में आकर देश की जो एक संस्कृति है उसको ज़्यादा बरकरार रखा है. मैं आज बहुत खुश महसूस करता हूँ जब मुझे भारत से बाहर भारत की स्वतंत्रता दिवस को मनाने का मुझे मौका मिल रहा है. मैं हमेशा ये कहता हूँ, अभी हम गाड़ी में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि हिंदुस्तान के बाहर जो हिंदुस्तानी हैं वो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों से ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं. आप हमारे सब एम्बेसडर हैं और आप हमारी संस्कृति को हमारे कल्चर हमारे कलर को हमारे देश के झंडे को देश में हमेशा. बी क्वाइट प्लीज. भारत माता की.